ओम प्रकाश जी, इतना शिक्षित होने के बाद आप राजनीति के मैदान में कब और कैसे आ गए? सर, राजनीति के मैदान में इसलिए आना पड़ा क्योंकि आज सब जगह युवा को आगे बढ़ाने की हम लोग भी इस राजनीति में आगे अपना रखना चाहते हैं पक्ष, और अपना जो पक्ष है बहुत सारी बेरोजगारी है, यूथ लोग को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, तो हम लोग कम से कम राजनीति आके बाकी भाइयों के लिए हम आगे उनका कुछ व्यापार हो या नौकरी हो इस टाइप का किया। अति महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के चुनाव मैदान में आ गए हैं आप जी सर, क्या समस्या देख रहे हैं आप क्षेत्र की? क्षेत्र में देखिए, मेरे वार्ड सर ऐसा है कि ये तो बोर्ड का है, CHB कॉलोनी है ये, तो यहाँ तक तो रोड और जितना भी है आपका नाली से आम जो समस्या होता है पानी नाली रोड, ये आपका बोर्ड ही करती है। मेन है यहाँ का बच्चे लोग का एजुकेशन को देखते हुए हम लोग एजुकेशन लाइन में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। दूसरा हम लोग का ये है अपना CHB में जी बस स्टैंड में बाइक और वाहन स्टैंड नहीं है, वो हम पहले बनवा रहे हैं, जैसे तुरंत अपन जितने बात वो करेंगे। हाँ हाँ। दूसरी बात, बस स्टैंड CHB चौक से ये अपना कॉम्प्लेक्स तक का निःशुल्क वाहन का सेवा दे रहे हैं, क्योंकि आज का जो यूथ है वो भाजपा की तरफ दौड़ रहा है छत्तीसगढ़ का, कुछ कांग्रेस की तरफ दौड़ रहा है जी जी। आप BSP की तरफ कैसे आप लपक लिए? हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनके दिशा निर्देश के अनुसार हम चलते हैं, क्योंकि देश की आज कोई भी पूरा इंडिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के देन है, उनके दिशा निर्देश के तरह आज यह पूरा इंडिया चलना चाह रही है, और आज देख रहे हैं कहीं भी हो और ये हम करना चाह रहे हैं। तो आपके इतने एजुकेशन के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि आप पार्षद बन जाएंगे तो फिर बात पद को छोड़ के फिर कहीं चले जाएंगे कहीं नौकरी वोकरी में? ऐसा रहता तो आज यूथ BJP कांग्रेस आप जैसा बताया, तो हम भीमराव अम्बेडकर की जो उनकी सोच है उसको लेकर आगे बढ़े हैं। देखिए, ये तो एक प्रकार का परीक्षा है, जो जैसा रिजल्ट आएगा उसका स्वागत करेंगे, और हम बाबा साहब का अम्बेडकर जी का जो सोच है उसको आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा उद्देश्य। वार्ड के मतदाताओं के लिए आपके पास क्या विचार है, क्या संदेश है? सर, उनको अभी आज के नव युवक की तरह नया बॉडी और अच्छा काम करने वाला चाहिए, उसके लिए हम लोग हैं तत्पर ही हैं जी। जैसे उनका चाहते हैं यहाँ उनकी वजह से काम चाहिए, सरकारी का सुविधा जो भी है वो कराएंगे हम लोग निःशुल्क जी। सेंटर अभी ऑनलाइन का सुविधाएँ हैं, उसके लिए हम लोग सेंटर खोलेंगे जहाँ पर। संदेश है आपका मतदाताओं के लिए? सर जी, अब मेरा तो वैसे विजय है सर, हाथी साहब से मस्जिद रहा हूँ सर जी। हाँ, अब वादा नहीं करता सर जी, जो जीत जाएंगे तो उसको काम जो कार्य है उसको पूरा करेंगे सर जी। अभी जैसे जनता के बीच जा रहे हैं आप जी, जनता आपको क्या बता रही है? कि बिल्कुल भैया आपको विजयी है जी, विजयी है बोल रहे सर, बोल रहे हैं विजयी। अब बन जाओगे आप? हाँ जी। फिर क्या कमाल हो जाएगा? बन जाऊंगा तो सर जी, यहाँ जितने फटाजा का काम कारज जो रुका हुआ है, आज 20 साल हो गया, दो बार कांग्रेस के बन गए, दो बार भाजपा का, कोई काम कारज फटलाजर के कुछ नहीं किए। यदि मैं बन जाता हूँ सर जी तो वादा करता नहीं बनूंगा तो करके इन लोगों को फटलाजर का जरूरतर कर दिखलाऊंगा। आपका प्रतिद्वंदी कौन है, किसको मानते हैं? मेरे हैं आजू सिंह प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी जो आपके विरोधी। अब कांग्रेस है सर जी, कांग्रेस BJP दोनों, कांग्रेस BJP दोनों है। और कोई ऐसी बात जो मतदाताओं को आप बताएं जी, ताकि मतदाता आपको वोट दे के खुशी महसूस करे? अब सर जी उतने हैं, नम्र निवेदन बताता हूँ और नम्र निवेदन करता हूँ सर जी, और ज्यादा कुछ नहीं बोलता।